एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो ये सुबह सुबह मैं लगी हुई किचन में, आज संडे व्लॉग है। तो कल जो मैं मेहंदी लगाई थी उसका कलर बहुत अच्छा आया है, तो आप देखें ना कितना सुंदर कलर आया, बिल्कुल नेचुरल कलर है, कोई भी केमिकल वाला कलर नहीं आया है, क्योंकि मैं घर का पेड़ का पत्ता वाला मेहंदी लगाई थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब सावन में एक बार तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, पिछले साल भी मैं लगाई थी पत्ता का ही मेहंदी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से वो छूटता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे रब कर दो तो वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आज संडे को भी बहुत भागम भाग रहता है, सैटरडे एंड संडे दो दिन ना मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ सैटरडे नाइट को, बट संडे को कुछ ना कुछ मेरा जो पेंडिंग वर्क होता है वो सब ख़त्म करने का कोशिश करती हूँ। तो आज जैसे था संडे है तो आज मेरे को जाना था मार्केट, क्योंकि ये भी शॉपिंग करना है, तीज है, रक्षाबंधन है, फिर आरू का 15 अगस्त का तैयारी भी करना है, क्योंकि ये बन रही है बंगाली गर्ल, तो इसके लिए एक साड़ी परचेस करना था और उसके लिए सारा जो कहते ना बिल्कुल रेड चूड़ी बिंदी बड़ा सा तो सब कुछ ख़रीदना था। तो हम लोग सोचे चलो आज संडे है, आज सब ये काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि थर्सडे को ही शायद है 15 अगस्त, तो सारा कुछ बहुत लेट नहीं हो जाए। ब्लाउज़ भी आरू का सिलवाना है तो वो धीरे धीरे काम करना है। और यहाँ पे मैं सुबह में सबसे पहले नाश्ता बना रही थी, पूरी और भुजिया। संडे को मेरे यहाँ पूरी ज़रूर बनता है, साथ में सब्ज़ी हो या भुजिया उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी बनना ही बनना है। अनूप जी से पूछी थी सुबह मैं क्या बनाऊँ, तो वो बोले चलो पूरी बना दो। और उसके बाद दोपहर का लंच नहीं कर बनाना था, इसलिए मैं सोची चलो इन लोगों के पसंद का ही बना देती हूँ, क्योंकि हम लोग को 1 बजे तक निकलना था, एक नहीं तो बहुत हार्डली 1:30 बजेगा, उसके बाद हम लोग को निकलना था। तो यहाँ पे मैं अपनी हेल्पर को भी आज बहुत जल्दी बुलाई थी, ऐसे वो 12 बजे आती है बट मुझे निकलना था, तो मैं उसको बोली चलो काम फिनिश हो जाएगा तभी निकल पाऊँगी, इसलिए यहाँ पे मैं आरू को नाश्ता निकाल के दे रही थी, पूरी और भुजिया सिंपल सा, और कभी कभी नींबू का अचार देती हूँ, बट इसको उतना पसंद नहीं आता, इसको आम का अचार पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं आरू को नाश्ता दे के मैं नहाने चली गई, क्योंकि बहुत हड़बड़ हो गया था सुबह में। पहले था डिसाइड था कि आज नहीं कल जाना है, क्योंकि अनूप जी का नाइट शिफ्ट हो गया तो मॉर्निंग में तो घर पे ही रहेंगे, बट सडन हुआ कि नहीं आज ही चलो, क्योंकि बारिश थोड़ा रुका हुआ था, कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, सैटरडे नाइट में इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, खूब एकदम अच्छे से बारिश हुआ है। तो यहाँ पर मैं नहा धो के पूजा करी थी, बहुत ही शॉर्टकट वाला पूजा की थी मेरा आज का पूजा, इसीलिए मैं आपके साथ शो नहीं कर रही, बस भगवान को मैं फूल चढ़ाई और एक अगरबत्ती दिखाई थी, क्योंकि ना बिना पूजा किए भी जाना अच्छा नहीं लगता। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज संडे है और हम लोग संडे को जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने, क्योंकि तीज आ रहा है और 15 अगस्त है, बहुत सारा चीज़ ख़रीदना है, कुछ आरू का है, कुछ मेरा है और कुछ मेरे पड़ोसी लोग का भी है। तो मेरे साथ मेरी एक पड़ोसी जा रही है, दो भाभी को मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को साड़ी ख़रीदना नहीं आता तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प चाहिए। मेरी आइडिया नहीं है क्या का फैशन है साड़ी, क्योंकि मैं साड़ी एकदम वेयर नहीं करती, साल में एक बार पहनती हूँ तीज का तीज, उसके बाद नहीं पहनती, तो कुछ ऐसा खास आइडिया है नहीं कि क्या पहना, मतलब क्या लिया जाए, क्या अभी ट्रेंड में है, क्या अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। तो मैं पिछले बार गई थी व्लॉग में, मैं आपके साथ शेयर भी करी थी, दो साड़ी मैं परचेस की थी, मार्च में मैं गई थी अपनी फुआ सास के बेटी की शादी में, तो वहाँ से मतलब उसके लिए मैं दो साड़ी ली थी, वो दोनों साड़ी एकदम अच्छा नहीं ले पाई, ली थी सिल्क का बट थोड़ा ओल्ड फैशन था, मेरे को तो आइडिया नहीं था और मेरे ऊपर वो दादी माँ जैसा थोड़ा सा लग रहा था लुक। तो जो मैं साड़ी इस बार ले रही हूँ ना, ये मुझे पहनना है शादी में भी, तो मैं इसको तीज में पहनूंगी, उसके बाद शादी में पहनना है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सोच समझ के लेना होगा किस तरह का साड़ी अच्छा लगेगा शादी में। तो इसीलिए मैं अकेले नहीं जा रही और एक कुछ काम भी है, तो हम लोग जब भी तीज का शॉपिंग ना ऑलमोस्ट साथ में ही करते, पिछले साल भी हम लोग साथ में किए थे, साड़ी कपड़ा का नहीं, पठा चूड़ी जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सारा कुछ हम लोग साथ में लिए थे, तो हम तो ऐसा साथ में सब कुछ लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है साथ में, थोड़ा सा हो जाता है कुछ चीज़ नहीं लें तो ये मत लीजिए, ये सही नहीं रहेगा, वो सही नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा मिल जाता है, मतलब मेरे को उतना आइडिया नहीं है शॉपिंग करने का, सच यही है कि मेरे को उतना आइडिया नहीं है, मैं घर में सबसे छोटी थी और 5 बहन में सबसे छोटी हूँ, तो मेरा सारा कुछ दीदी लोग ला कर देती थी, इसलिए मेरे को कुछ उतना आइडिया नहीं मिल पाया कैसे लेना चाहिए क्या लेना चाहिए, बाकी सारा चीज़ मैं अच्छे से मैनेज करती हूँ,
जो भी घर का है सारा कुछ खुद से ही मैनेज कर रही हूँ, बट मेरे को ये सब चीज़ का आइडिया नहीं है, कैसे कपड़ा खरीदना चाहिए, कौन सा चीज़ लेना चाहिए, कैसा कौन सा ट्रेंड में है। इससे अच्छा मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। जा रही हूँ, टाइम हो गया है एक, आप देखिए टाइम बच रहा है एक, बहुत लेट हो गए हैं और आरू भी रेडी हो गई है। देखो 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 देखो, अभी हेयर कॉम करना बाकी है क्योंकि आरू का हेयर बिल्कुल गीला है। तो चलिए मार्केट चलते हैं, कितना शूट कर पाती हूँ मुझे नहीं पता क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब मार्केट में मैं पहुँच जाऊँगी तो थोड़ा बहुत ज़रूर आपको दिखाऊँगी। तो हम लोग हो गए रेडी और बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग में लेट नहीं है, हम लोग बिल्कुल राइट टाइम पे रेडी हुए थे। अभी थोड़ा सा एक भाभी का थोड़ा सा 10 मिनट और लगेगा। और कितना अच्छा मेरा कलर आया मेहंदी का, ये देखिए इतना सुंदर कलर आया। ये वाला जो ना ओरिजिनल कलर है, एकदम ओरिजिनल कलर, ये ना वैसे नहीं छूटता है, जैसे थोड़ा थोड़ा छूट रहा है हाथ से, ऐसे रगड़ दो तो वो छूट जाएगा, ये ना अपने आप धीरे 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 जाता है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कलर, खुशबू भी बहुत अच्छा है। मैं पूरे फिंगर पे एकदम भर ली थी, पूरे फिंगर पे। तो जी हम लोग मार्केट पहुंच गए और पता है मार्केट में पहुंचते के साथ बारिश इतना ज़ोर का आया, हम लोग किसी तरह से भागते भीगते एकदम निकल के गाड़ी से फटाफट से बिग शॉप में चले आए। और यहाँ पे भाभी लोग खरीद रही थी सूट, और मेरे को ख़रीदना साड़ी, एक और भाभी को ख़रीदना था साड़ी। और मैं यहाँ पे बहुत मतलब बहुत सुंदर सुंदर भी कलेक्शन आया हुआ है तीज का। तो मैं यहाँ पे एक सनग्लास भी ख़रीदी हूँ, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो एक सनग्लास परचेज करी और चार पांच सूट भाभी ली, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो उनका था। और आरू और ये साथ में एक और भाभी उनकी बेटी, सब खूब मस्ती दोनों कर रहे थे, हम लोग खरीद रहे थे, ये लोग घूम रहे थे। तो यहाँ पे मैं साड़ी भी देख रही थी, बट मुझे साड़ी कुछ जचा नहीं यहाँ पे बिग शॉप में, तो हम लोग किसी और शॉप से जाके साड़ी परचेज़ की है। वो साड़ी आपको मेरे तीज व्लॉग में ही दिखेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैं साड़ी खरीदी हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले शॉपिंग करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग मार्केट से आए हैं, बहुत बारिश हो रही थी और हम लोग एकदम भीग भीग के आए हैं। आरू पूरा भीग गई थी क्योंकि ये पापा के साथ आ रही थी, उसमें ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा था। हम लोग साड़ी खरीदने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो हम लोग जब साड़ी लेके निकले ना तो थोड़ा बारिश कम हो गया, और फिर भी हम लोग पूरा गीले हो गए और पूरा मतलब सर वर पूरा गीला है। और टाइम हो गया देखिए 7 बजने वाला है, आज दिन भर बाहर ही हो गया, गए हम लोग 2 बजे और अभी आए 7 बजे। अच्छा कोकोनट वाटर दीजिए थोड़ा सा। आरू को भी दीजिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा साड़ी मैं परचेज कर रही हूँ, बहुत सुंदर, पर उसको ना अभी पॉलिश करने के लिए और फॉल पिको करने के लिए उसको रख लिए हैं। तो वो हम लोग जब 15 अगस्त को जाएंगे राम और फिर से आरू का स्कूल में फंक्शन है तो उसको अटेंड करने जाएंगे, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे रामगढ़ ऐसे, इसका स्कूल तो बड़का खाना में है, तो वहाँ से जाके हम लोग ले आएंगे। और मेरा ग्रॉसरी का शॉपिंग भी करना है तो वो भी हम लोग साथ ही कर लेंगे। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बट अभी खाना बनाना है क्योंकि अनुप जी को जाना है रात में ड्यूटी, 9:30 में निकल जाएंगे और हम लोग दोपहर में खाना नहीं खाए। सोचे थे कुछ वहाँ चटर पटर खाएंगे बट इतना ज़्यादा बारिश था कि हम लोग कुछ नहीं खा पाए, यहाँ तक कि मैं सोच के गई थी एकदम गर्मा गर्म बरसात में चाट खाने का मन कर रहा था, पर नहीं खा पाए, बिल्कुल नहीं खा पाए, बड़ा अफसोस हो रहा है। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं चावल दाल और भुजिया नहीं तो सब्जी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और कुछ ऐसा खास मन नहीं कर रहा बनाने का, तो अभी चावल दाल बनाएंगे। कल फास्टिंग करना है, कल मंडे है इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खा सकती। रोटी बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, पूरी मैं सुबह खा चुकी हूँ, तो अभी थोड़ा सा मन मेरा कर रहा है चावल खाने का। तो अभी चावल बनाऊँगी सबसे पहले दाल, और या तो भुजिया या तो सब्जी, कुछ एक चीज़ बनेगा।
का तैयारी हो रहा है, कल मॉर्निंग में आरू का स्कूल है। पता है सैटरडे और संडे ना बहुत अच्छा लगता है, खासकर सैटरडे नाइट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है ओह बीत गया, बहुत अफसोस लगता है। पता है संडे को मैं कितने बजे उठी हूँ? 8 बजे उठी हूँ, बड़ी आराम से उठी हूँ। बार बार देख रही थी घड़ी और फिर सो जा रही थी। तो बस लगता है सैटरडे नाइट रह जाए तो बहुत मज़ा आए, बट संडे के नाइट को ना बड़ा अफसोस लगता है कि कल सुबह फिर उठना है। सारा कुछ प्रिपरेशन करके रख रही थी, एक तो मैं थकी आई थी, ऊपर से खाना भी बनाना था क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था कि रास्ते में कुछ खा भी नहीं पाए। और उसके बाद कल फास्टिंग था तो मैं दोपहर में खाना भी नहीं खाई थी, तो रात में खाना बहुत ज़रूरी था। फिर आरू का ड्रेस को प्रेस करना था, उसका शूज़ पॉलिश करके रखती हूँ, उसका रूटीन अच्छे से रखती हूँ। ये सब करते करते पता है कितना बज गया? 9:30। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल गया, काफ़ी थकी हुई हूँ। क्यों अब इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था। चावल और सब्ज़ी बहुत अच्छा लगा था, साथ में मैं चना और मूंग का झोल बनाई थी तो बहुत अच्छा लगा खाने में, और आरू को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो बस हम लोग खाना खाएंगे, सोएंगे, और अनुप जी का नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गया आज से, तो वो जाएंगे ड्यूटी। ऐसे हम लोग को नींद तो फर्स्ट डे नहीं आता है क्योंकि चले जाते हैं तो फिर हम लोग को आदत हो जाता है, 1-2 वीक लगातार साथ में सोते हैं तो ऐसे चले जाते हैं तो फिर नींद नहीं आता। पर कोई बात नहीं, होता क्या है ना कि आदत बनाना पड़ता है, और मेरा तो हर हफ्ता चेंज होते रहता है। ठीक है, तो कल मिलती हूँ किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक।